देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के अलचंद्रपुर गांव में 9 वर्षीय किशोर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को माती अकबरपुर रोड पे सदर सीओ के आवास के सामने रख सड़क जाम कर दी। इस दौरान जाम में फंसे मरीज गाड़ी में तड़पते रहे और निकलने देने की दुहाई मांगते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। साथ ही एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक होती रही, वहीं पुलिस तमाशबीन बनी रही। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। मृतक के पिता ने बताया कि बिजली के खंभे में करंट उतर आया है, जिससे बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया, खंभे में अभी भी करंट आ रहा है, जिसके चलते जाम लगाया गया है। उसके सारे जो हर वाला तार लगा होता नीचे ऊपर गया, उसी में टच होता रहा। आज से दरबारा जब पहले लाइट वाले आए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने जानबूझ के ऐलान कर दिया लाइट साहब। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, क्या बच्चा जा रहा था खेल रहा था, कोई पैसा वैसा करने वाली बच्चे हमें आप लोग घूमने में जैसे कुछ चीज पकड़ घूमने लगते, तो इसे हाथ का सहारा लिया उसने खम्भे में, तो इतना नाखून बेचारे चमका बंद करने में काम होगा पास। कितने समय हो गया कोई कहीं तहरीर नहीं दी किसी लोगों ने? आज आप लोगों ने रोड जाम किया, क्या मांग कर रहे हैं? मांग बस यही सुनवाई हमारी है कि साहब हमारे बच्चे को या जो कुछ है वो समझाओ, लाइट सही करवाओ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सागर है। क्या हुआ, कैसा? मेरे साथ मेरे गांव में रोड जाम होने, मेरा मकसद ये है कि कल से अभी तक इतना बड़ा हादसा होने के बाद में कोई भी आला अधिकारी दरवाजे नहीं पहुंचे हैं, ना ही किसी ने सुनवाई की है। यहाँ तक जब मेरे लोग थाने पहुंचते हैं तो ऐसा वहाँ दपा भगाता है, कहते हैं बिजली विभाग का मामला है। तो बताइए हम लोग किसके दरवाजे जाए, ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। मेरी मांग ये है कि मुझे समुचित कार्रवाई की जाए और जो तार लटके पड़े हैं ये हादसा और के साथ ना हो, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।